मैंने तो सुना था अब मुराद तुम्हारी जमीनों का काम संभालेगा। नहीं, आज से मैं खुद संभालूंगी। क्यों? किसी ने उसे मेरी जमीनें संभालने से मना कर दिया, ओ लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे अपनी चीजें संभालना आता है। मुख्तार शाह का खून है मेरी रगों में। मुख्तार शाह का खून बहुत ताकतवर है। ऐसी छोटी मोटी चीजों पर परेशान नहीं होते हम। शायद इसलिए तुम फैमिली को नहीं संभाल पा रही। वो भी ना घर को संभाल सका ना बाहर को। बीवी छोड़कर चली गई और बेटी ने घर से भागकर शादी कर ली। जुमला मुकम्मल करे, बेटी ने दुश्मन के बहकावे में आके चुप के शादी कर ली, जिस बात का रंज उसे कयामत तक रहेगा। नादान थी ना, झूठी बोली को सच्ची जबान समझ बैठी। और रही बात घर संभालने की, अगर आप झाड़ू पोछे को और हांडी रोटी को घर संभालना कहती हैं तो हम सॉरी, मैं बाकी इस काम के लिए नहीं बनी। मैं बड़े बड़े कामों के लिए बनी हूँ। मेरी जिंदगी फोर्स के झाड़ू पोछे और किचन की हांडी से बहुत बड़ी है। सात गांव के लोग आके मेरे हाथ चूमते हैं, उनको संभालना। जमीनें हैं, फैक्ट्रीज हैं, मिल हैं, अलग का बहुत शुक्र है, बहुत कुछ है। उन सबको संवारना भी है और संभालना भी है। हाँ, और तुम्हारा मुराद जैसा कोई बेटा भी नहीं है ना, जो माँ के कहने पर सारी मालो दौलत को संभाल सके। मैं खुद बहुत मजबूत हूँ, बहुत ताकतवर हूँ। मुझे बेटे की मजाकी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? सही, उन्हें अच्छा वहां पहुंच गए। अपनी निगरानी में खड़े होकर घात खुलवा रहा है। क्या मैं जान सकती हूँ ये सब क्या हो रहा है? तुम जाओ यहाँ से, ये मर्दों का मामला है, तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। बुनियाद भाई, ये मेरी जमीन है, मेरी मलकियत है। मैं यहाँ अपनी मर्जी से जब चाहे आ सकती हूँ, जब चाहे जा सकती हूँ। आप जानते हैं ना कि जिम्मेदारी के असूलों के खिलाफ है। तुम इस जमीनों में आए हुए 2 दिन हुए हैं, तुम मुझे बताओ कि जमींदारी के असूल। अगर आप जिम्मेदारी के बारे में इतना कुछ जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वाराबंदी के हिसाब से आज हमारी बारी है। आप पानी का रुख अपनी जमीन पे नहीं मोड़ सकते। It's not my fault. कल ऊपर से पानी बंद हो गया था, so technically आज हमारी बारी है। अगर पानी कल ऊपर से बंद था तो इसमें मेरा और मेरे लोगों का क्या मसला है? कल मिल जाएगा आपको। तुम मुझे रोकोगी? हाँ, मैं रोकूंगी। खबर जी, जाओ घाट बंद करो जाके। खबरदार मुर्बानो, रुक जाओ यहीं पे। अगर कोई आगे बढ़ा तो गोली चल जाएगी, मैं बता रहा हूँ। हुनैद भाई, मैं मुराद के लिए लिहाज कर रही हूँ आपका, लेकिन आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। तुम मत करो लिहाज, क्योंकि मैं भी मुराद का लिहाज नहीं करूंगा। अगर इनमें से कोई एक भी आगे बढ़ा तो उनका खून तुम्हारे साथ पर होगा। मैं आपकी खोखली धमकियों से नहीं डरती। खबर जाओ, पानी खोलो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अपने बंदों को रोक लो, वरना उनका खून तुम्हारे सर पे होगा। मैं नहीं रुकूंगी हुनैद भाई। खबरदार नूरबानो, अगर कोई आगे बढ़ा तो। खबर जाओ, नूरबानो गोली चल जाएगी। मुर्बानो, ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया? ये ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? तकलीफ हो रही है, लेकिन किसने चलाई गोली? उन्हें शाने बाबा। क्या बाबा से जमीन पे हम गए थे,
बीबी जी ने कहा कि हमारा वारा है जमीन का। मुझे लगा अब हुनैद भाई मेरा लिहाज करेंगे। आयाजात होने के नाते ना सही, लेकिन अपने भाई की बीवी होने के नाते ही सही। सॉरी नूरबानो, मुझे तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। शायद तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। लेकिन तुम फिक्र मत करो, अंदर ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी तुम्हें यूं अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात तुम मेरे साथ होते तो मुझे क्या जरूरत थी अपनी जान को खतरे में डालने की। मैं माफी मांग तो रहा हूं नूरबानो, बस एक बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूं आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हुआ क्या, ये सब कुछ था क्या। गोली कहां लगी इसे? मुझे नहीं पता मां, मैं इतनी टेंशन में आ गया था ऐसा लग रहा था जैसे जमीन ने मेरे पांव जकड़ लिया। नूरबानो तो ठीक है ना? मुझे नहीं पता सफीना। तुम्हें अपने शौहर की परेशानी नजर नहीं आ रही? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अगर खुदा ना खास्ता नूरबानो को कुछ हो गया तो सारे का सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। तुम पर क्यों आएगा इल्जाम? देखो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मां भी जिंदा है। मुराद कहाँ है? सुबह से घर पे नहीं है। आई एम श्योर अब तक उसको भी इतला पहुंच गई होगी। अच्छा मुझे ये बताओ हॉस्पिटल भेजा है किसी को? तब अपना कोई बंदा भेज के पता कर लेना था ना कि आखिर हुआ क्या है। मैं वही तो बता रहा हूं आपको अम्मा, सब कुछ इतना अचानक से हुआ कि मेरे हवास ही काम नहीं किया। तुम दोनों सुबह से कितनी बार फोन किया, कॉल क्यों नहीं उठाई? और इसे क्या हुआ है? ये तो आप अपने बड़े बेटे से पूछे ना कि क्या हुआ है नूरबानो। किस तरीके से बात कर रहे हो तुम? मेरा बड़ा बेटा तुम्हारा बड़ा भाई है। इसी बात का अफसोस है मुझे कि ये मेरे बड़े भाई हैं। मुराद नूरबानो जो कुछ भी हुआ वो गलत फहमी थी। आपको जरा शर्म नहीं आई उस पर गोली चलाते हुए? पहले आपके बंदों ने उसके बंदों को जख्मी किया, फिर आपने उस पर गोली चलाई। उड़ा आपने मेरी पीढ़ी पर गोली चलाई है। अपने भाई का गिरेबान पकड़ोगे? पकड़ूंगा। बस बहुत हो गया, तुम लोगों को इतना लिहाज भी नहीं है कि तुम्हारी मां तुम्हारे सामने खड़ी है? ये तरबियत की है मैंने तुम लोगों की? और मुराद तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुनैद पर हाथ उठाने की, और वो भी अपनी बीवी के कहने पर?